हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम कृपया आप दोबारा करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो गाइस आज से कुछ दिन पहले हमने दो फ्री एनर्जी वीडियो बनाई थी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और गाइस वो फ्री एनर्जी वीडियो थी हमारी भाई, सक्सेस नहीं हुई थी। तो रुको जरा, सबर करो। किसी भी वीडियो में हमारा फ्री एनर्जी जो प्रोजेक्ट था वो वर्क नहीं किया। गाइज हमने बहुत सारी कोशिश की थी फ्री बिजली बनाने की, लेकिन गाइज उस समय दोनों वीडियो में हमारे भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला हमको। फ्री बिजली थोड़ी थोड़ी बन तो रही थी, लेकिन भाई एकदम से जो हम मोटर लगाते थे, पहले उसको लाइट से कनेक्शन देते थे, उसके बाद मोटर से देते थे, तो थोड़ी चलती थी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। तो गाइज यार उसी चीज पे हमारे पास यार बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी कि भाई तुम फ्री बिजली बनाओ, बनाते रहो, अपना जो काम है वो मत छोड़ो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है, तो गैदर आप लोग जब हमारा इतना हौसला बढ़ाते हो तो यार हम भी काफी से हटने वाले हैं। तो गैदर आज की इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से फिर एक और फ्री एनर्जी वीडियो बनाने जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और गैदर आज हमारे पास देखो ये मशीन है भाई, हमारे पास ये मशीन थी, और गाइस इसमें कोई चीज हमारे और तो काम की है नहीं, लेकिन हमारे काम की ये लगा है इसमें गियर बॉक्स। गाइस ये गियर बॉक्स लगा है, और गाइस इसका काम होता है यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट कनेक्ट की जाती है, और इधर से एक बेल्ट चढ़ाई जाती है, और गाइस जो काम करती है उसे यूज में लेते हैं। तो गाइस इसका काम होता है हमारा चक्कर कम और ज्यादा करने का। गाइस पीटीओ शाफ्ट लगा के यहाँ पे इसमें गियर बॉक्स लग रहा है, इससे हम चक्कर कम कर सकते हैं और गाइस चक्कर बढ़ा भी सकते हैं। तो गाइस उस चीज में हमारे काफी लोगों को कमेंट थी कि भाई इस पे गियर बॉक्स लगाओ और हमारी मोटर के चक्कर बढ़ाओ, जिससे अल्टरनेटर के चक्कर ज्यादा बन जाए और हमारी लाइट की सप्लाई मोटर को पूरी मिले। तो भाई हमने कहा आज मशीन भी है, गियर बॉक्स भी है, तो चलो भाई इस चीज को भी ट्राई करते हैं। तो गाइस चलो हम बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं, और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मस्त वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर भी हमारी वीडियोस देखने को मिलती है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हमारे पास सारे इक्विपमेंट है वो रेडी है, देखो ये इंजन भी है, पिछली वीडियो में इसी इंजन से फ्री बिजली बनाई थी। वाह क्या सीन है। और गाइस आज भी हम इसी इंजन का यूज लेंगे, क्योंकि हमारे पास भाई फ्री बिजली बनाने के लिए एक व्हील बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई ये इसके व्हील लगे हैं, तो इस किसी भी चीज से हम इसको घुमाएंगे तो भाई ये एक लिमिट सीमा तक घूम सकता है, मतलब ज्यादा घूम सकता है, ये चक्कर बढ़ा सकता है हमारा, और जो मोटर लगाएंगे उससे हम चक्कर इससे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा देर तक हमारी मोटर चल सकती है। और गाइस ये अल्टरनेटर है मेरे पास, और अभी मोटर है, मोटर दूसरी साइड रखी है, वो भी लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम पहले इस पर अल्टरनेटर सेट करते हैं। गाइस ये अल्टरनेटर सेट करना है, उसके लिए गाइस देखो हमने ये फ्रेम भी बना रखा है, एक ये फ्रेम है हमारे पास पहले से रेडी है, तो चलो भाई इसको उठाते हैं और लगवाओ। पूरा भाई बहुत भारी है, तो ये फ्रेम आ चुका है, उसमें लगाओ भाई इसकी कपलिंग लावे। गाइस कपलिंग कहाँ है? और गाइस देखो यहाँ गियर बॉक्स में ये कपलिंग में कनेक्ट कर दूंगा, और इस फ्रेम को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बड़ा इसको अंदर। तो गाइस ये हमने भाई कनेक्ट कर लिया है गियर बॉक्स से, और अब इस पे अल्टरनेटर यहाँ सेट करना है हमको, तो चलो भाई अल्टरनेटर भी जल्दी से लगा लेते हैं इसमें।
तो गाइस हमारा ऑल्टरनेटर जो है वो सेट हो चुका है, देखो कुछ इस तरह से भाई ऑल्टरनेटर सेट कर लिया है। और अब यहाँ से घूमेगा तो भाई इस तरह से ये घूमेगा, यहाँ से सप्लाई मिलेगी इसको। और अब हमारा जो इंजन और मोटर है वो चीज़ सेट करना रह गया है, तो चलो जल्दी से उस चीज़ को भी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद गाइस इसको ट्राई करेंगे कि अब ये वर्क करेगा नहीं करेगा। और आप लोग वीडियो पूरी देखना, जब वीडियो पूरी देखोगे भाई तभी कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा और भाई वीडियो में आनंद आएगा। चलो हम जल्दी से लगा लेते हैं। सेटअप बना लिया है, देखो इस तरह से इंजन भी लगा लिया है और बेल्ट भी चढ़ चुकी है हमारी। और अब मोटर लगाना रह गया है बाकी यहाँ पे, अब मोटर और फिट कर लेते हैं और गाइस उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो चलो मोटर भी उठा लेते हैं फटाफट से। गाइज ये है हमारी 7.5 हॉर्स पावर की मोटर और गाइज मैंने इसका फाउंडेशन बना लिया, चैनल पे कस लिया और अब यहाँ पे हमको सेट करना है इसको। गाइज हमारे सारे काम हो चुके हैं भाई, सेटअप जो है पूरा बन चुका है, मोटर भी लग चुकी है और ये इंजन के व्हील भी लगा लिए हैं इसको भाई थोड़े चक्कर बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो व्हील हैं वो भारी हैं तो भारी होने के कारण ये चक्कर बनाएंगे, बैलेंस बना देंगे इसका। और मोटर लग चुकी है, ऑल्टरनेटर फिट है और अब चलो इसको टेस्ट करते हैं भाई। लाइट भी पहले हम इसको लाइट से चलाना है भाई, 3 फेज लाइट चाहिए हमको, हमारी जो मोटर है 3 फेज की है तो भाई लाइट की भी व्यवस्था है हमारे पास। पहले इसको चलो लाइट से देखते हैं टेस्ट करके कि ये घूमता है नहीं घूमता है और उसके बाद फिर भाई अल्टरनेटर से कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने भाई सेटअप जो है रेडी कर लिया है और
लाइन डाल ली है देखो यहाँ से, थ्री फेज मोटर है हमारी, तो भाई थ्री फेज हमको लेने पड़े हैं। पहले इसको मोटर से घुमाएंगे, और ये मैंने लाइट भी लगा दी है ऑल्टरनेटर पे, और ये तार हैं भाई इसके, तो लाइट लग चुकी है। और पहले इसको दिखा देखते हैं भाई मोटर से घुमा के कि चक्कर हमारे जो है कितने बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो गियर बॉक्स यूज किया है हमने तो भाई चक्कर बढ़ाने चाहिए उससे। तो देखते हैं, मैं तार लगाता हूँ अभी, पहले इससे घुमाएंगे और फिर गाइस ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी करने की ट्राई मत करें यार, ये खतरनाक काम है, डेंजरस, तो भाई प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। ओ भाई देखो, यार लोड बहुत पड़ रहा है मोटर पे भाई, मोटर पे लोड काफ़ी है, घुमा नहीं पा रही है यार। देखो फेस कट गए, फेस का तार ला भाई। तो गाइस फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ मैं एक बार, और घुमा भाई, हाथ बड़ा हाथ बड़ा हाथ बड़ा हाथ बड़ा, क्या होगा भाई फेस थोड़े। यार मोटर यार घूम नहीं पा रही यार इतने लोड पे, पता नहीं यार लोड पड़ रहा है क्या हो रहा है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। मोटर बैलेंस ही नहीं बना पा रही भाई, गियर बॉक्स लगा के मोटर बड़ी। ओ तेरी धुआं दे गई यार, मोटर छोटी पड़ गई भाई। अब यार इसमें क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, ये तो इतना भी लोड नहीं उठा रही भाई, ये व्हील हटा देते हैं भाई। चलो ये इंजन की सिस्टम है, इंजन वाला इंजन हटा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है जब देखते हैं, क्योंकि यार इंजन काम नहीं कर रहा, इंजन की बेल्ट में उतार देता हूँ। गाइस एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये वाली बेल्ट जो है हमने यहाँ से लग रही थी वो हटा दी है। चलो फिर दोबारा देखते हैं भाई क्या होता है, चल पाता है नहीं चल पाता। यार पता नहीं, एक बार लाइट के तार हटाना यार, मोटर धुआं दे रही है। चक्कर हमारे ज्यादा बन चुके हैं भाई, मोटर लोड ले रही है बहुत, चक्कर हमारे तादाद से ज्यादा बन गया भाई, मोटर छोटी पड़ रही है, लोड ले रही है और धुआं निकलने लग गया भाई मोटर में से, क्योंकि देखो यहाँ से भाई चक्कर इसके बन गए ज्यादा, गियर बॉक्स में से काफी चक्कर हो गए, गियर बॉक्स में गड़ारी बड़ी है, फिर देखो यहाँ से पुली जो है वो भी बड़ी है, इसलिए भाई ऑल्टरनेटर हमारा घूम नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ऑप्शन है भाई, इसमें भाई कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो हमारे पास पुली छोटी है नहीं। एक बार ये और देख देते हैं, इसको इंजन से जो कनेक्शन है इसके बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका फिलहाल कोई लोड नहीं है इस इंजन का, है लोड ज़्यादा हो तो ये भी हमने हटा दिया है, और अब देखते हैं भाई लास्ट बार क्या होता है कि भाई ये घूम पाता है नहीं घूम पाता है, ठीक है। सर
हमारी बेल्ट असलम मारने लगी भाई, और शायद इस तरह से कामयाबी मिलेगी नहीं ये भाई। चक्कर अब ज्यादा बन गए उस पर, बहुत मतलब चक्कर ज्यादा ही बड़े हैं, बहुत ज्यादा चक्कर बढ़ा दिए हमने भाई, इसलिए कामयाब नहीं होगी। और भाई वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और फ्री एनर्जी तो भाई नहीं बन पाई, अब आगे वीडियो में ट्राई करेंगे, दोबारा से गियर बॉक्स लेंगे, अब की बार ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर वाला या जुगाड़ वाला या बाइक का कोई सा गियर बॉक्स लेंगे, जिससे हम चक्कर अपने हिसाब से मेंटेन कर सके, जितने चक्कर चाहिए हमको उतने कर सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और भाई फ्री एनर्जी हमारी नहीं बन पाई, ये तो यहीं की यहीं फ्लॉप हो गई। पिछली वाली वीडियोज में हमारी जो वीडियो में थोड़ी थोड़ी तो बनती थी, लेकिन इस वीडियो में तो भाई ये मोटर ने ऑल्टरनेटर को घुमा भी नहीं पाया, क्योंकि जो गियर बॉक्स है भाई हमारा लग गया बड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।